वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे बेल आइकन को प्रेस करें। तो अभी रात का टाइम है और आज मैं आप लोगों को आज मैं आप लोगों के साथ अपने नाइट रूटीन शेयर करने लगी हूँ अपने व्लॉग में, और कुछ गपशप करेंगे। तो गाइस ये पहले देखिए, ये मुहतरमा ऐसे सोगी, इसने मुँह के ऊपर कंबल कर लिया। तो गाइज इसने ना आज हमारे बेड पे गिरा दिया पानी इसने चीखी है, ये जो सोई हुई है ना इसने चीखी है। नहीं गाइज इसने ना इधर गिरा दिया पानी, बेड के ऊपर बैठ के खाना खा रही थी तो इसने पानी गिरा दिया, ये देखे इधर। फिर अब हमने ना मतलब के वो जो पुराना तौलिया नहीं होता वो हम लोगों ने डाला हुआ है, और कंबल भी मुझे लगता है मम्मा कह रही थी थोड़ा थोड़ा गीला कर दिया है। सरप्राइज गाइज ये लेके आई है केक। तो अच्छा गाइज मैं ये बता रही थी कि इसने पानी गिरा दिया ऊपर, अब मम्मी जी ने टॉवल डाला हुआ है तो अब गीला तो हो गई। तो आप लोगों को आज बताने लगी थी कि हम कमरे में कैसे सोते हैं। ये क्या लिखा है? बताओ करके से ठाउन करके। आपकी खुशियां हमारे साथ। गाइज ये हमारा बेड है, एक अदद खड़ी होके दिखाते मतलब कि ये हमारा बेड है, इसके सराने शुरू ने टेढ़े टेढ़े हुए हैं, कोई मसला नहीं, सीधे सीधे कर लेंगे असी। और उसमें पांच अदद लोग सोते हैं, चार हम सिस्टर्स होती हैं और एक हमारी अम्मा सोती है। तो ये एक अदद निक्की चारपाई है, इस पे बैग रखा हुआ है, ये बिस्तरा भी रखा हुआ है। तो इस पे सोते हैं मेरे बाबा जानी, हूँ तुम कहना तुम्हारा पापा छोटा है नहीं मेरे पापा का कद नॉर्मल ही है, तो थले नहीं आता कुछ नहीं था। नहीं जाता है वो सर्दी होता है, कट्टा कुट्टा बंदा होके सो जाता है गाइज कट्टा कुट्टा होके। नहीं गाइज मतलब कि इसलिए छोटी चारपाई है, हमारे रूम में जगह कम है क्योंकि हमारा सारा सामान इसी रूम में है, पेटियां अलमारी शोकेस, और ये नहीं कि हमारे एक ही रूम है, हमारी बैठी के बरामदा भी है, लेकिन सर्दियों में सर्दी बहुत ज्यादा है। मतलब के आप लोगों को भी पता ही होगा कि 2-3 साल बाद इतनी ज्यादा सर्दी पड़ी है, तो इसलिए पहले बैठी में मेरे बाबा और भाई सोते थे, तो अभी बहुत ज्यादा सर्दी होगी है, तो इसलिए ना अम्मी जी कहते कि आप लोग भी कमरे में सो जाया करो। मेरा भाई भी कहना मैंने बहुत ठंड लगती, मेरे भाई को कम ही लगती थी, मेरे अब्बू को ज्यादा लगती थी, तो वो कहते कि मैंने भी रूम में सोया करना है, तो फिर हमने इधर ही एडजस्टमेंट कर ली। और ये एक अदद बड़ी चारपाई है ये जो खड़ी है, तो इसके ऊपर इसको इधर ही बिछा के ना, ये जिधर सारिया खड़ी है इधर जगह है, इधर मतलब के बिछा के मेरा छोटा भाई सो जाता है। छोटा भाई है वड्डा लंबा है मतलब कि मुझसे भी लंबा है, वो उस चारपाई पे सो जाता है, और हम लोग पांचों इधर सो जाते हैं, मेरे भाई उधर, मेरे अब्बू जी इधर सो जाते हैं, और एक मेरा भाई सोता है वो हॉस्पिटल होता है उधर ही सो जाता है। तो गाइज हम लोग ऐसे एडजस्टमेंट होकर सर्दियों में सोते हैं, ये हमारी सर्दियों की सोने की रूटीन है, सिर्फ ठंड ठंड दे मतलब कि ये 10-15 दिन की सोने की रूटीन है, जैसे ही मौसम बदलेगा ये मेरे भाई लोग फिर दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाएंगे। अभी इधर हमारे चल रहा होता है चूल्हा, चूल्हा कितने पीछे हटो चूल्हा उठा होता, तो वो गाइज हमारा उधर चल रहा है चूल्हा। मतलब कि मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि हीटर चलाने से ना बिल ज्यादा आता है, चूल्हा चलाने से बिल कम आता है। अगर नहीं आप लोगों को ये बात वाकई में आप लोग कह रहे कि ऐसे नहीं होता तो अजमा के देखे नहीं आप लोग हीटर की बजाय छोटा चूल्हा ले आए, वो चला के देखे पूरा मंथ, हाँ पूरा मंथ चला के देखे, अगर बिल कम ना आए तो पैसे वापस कर देते। फैक्ट माशा दे। तो गाइज ये हमारा एक अदर चूल्हा इतने चल रहा है, ये चल रहा है, तो इससे ना ये कमरा हर वक्त गर्म गर्म रहता है, हर बंदा आने जाने वाला कहता है क्या कमरा इतना गर्म, सुकून तो इधर ही है, भाई तो मरी है, कोई इधर आके बैठ जाता है फिर उसका जाने को दिल नहीं करता, कहता हाय बाहर ठंड है, घर में सर्दी है ना पर मरी दोनों है, अंदर आए तो सर्दी है ना बाहर जाए तो मरी। तो गाइस ये जो हमारा एक अदद केक है ये मेरी आपी पढ़ाती है अरबी वाले बच्चों को, तो वो उसका कुरान मजीद खत्म हुआ था तो उसने क्या दिया, चलो केक, उसने केक खाने के लिए हमें दिया,
कहती आज आप लोग केक खाओ और ये एक पाउंड से भी निक्का लग रहा है, ये एक पाउंड से भी निक्का लग रहा है। चलो तो गाइस अभी हम केक काट के खाते, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये फिर भी मिल्ट हो गया, हमने ये केक के पीस पूस कर लिए हैं, हम लोग जितने लोग थे उतना इसको डिवाइड कर लिया काट के। अब ये अपी ने प्लेटें पकड़ा दी और हम लोग खाने लगे हैं केक। चम्मच भी अभी पकड़ो अभी, ये वाले नहीं डिब्बी, इधर डिब्बी पड़ी हुई इसके अंदर चम्मच, ये हमारे छोटे से चम्मच इसके अंदर, ये हमने केक खाने के लिए रखे हुए स्पून। गाइस ये हमने आए थे आइसक्रीम के साथ आते होते थे, अभी तो बहुत कम हो गए हैं, तो हमने इसको मतलब के वेस्ट नहीं किया, हमने इसको धो लिया कि ऐसे जैसे केक खाना हो या इसके अलावा और कोई चीज खानी हो तो फिर बंदा ये छोटे चम्मच इस्तेमाल कर सकता है। तो इनको प्लेटों में डाल के सबको दो, मुझे भी दो, मैं पाक देती हूं, पाक दो मुझे भी इस प्लेट में। डाल देखो कैसे रही, तुम क्यों अपना लोगी खुद मसला है, ऐसे बाजी नहीं जब पाक दे रही। हाँ ये वड्डी बाजी पाक तो दे रही है, फिर भी इसको खुद लेने की पड़ी हुई है। उसने हमें केक लाया है, उसका कुरान पाक मुकम्मल होने की खुशी में मैं कहती मैं अपने उस्ताद जी को केक खाना चाहती। ये किसको बता रही है, पाक दूँ बोले फीजा ने, ये मैं तेनु दस रही बहुत फराव था, तो मैं भी यही बताया था कि कुरान पाक मुकम्मल होने की खुशी में मुझे भी स्पून दो। नौकर अम्मी आप मुझे दे, अम्मी जी क्यों हाल आता, मैंने लाया हूँ अम्मी ने मेनू दिया। ये मैंने आपको बताया था ये केक ना वो आपी की एक स्टूडेंट है उसका कुरान मजीद मुकम्मल हुआ था, तो उसने हमें ना मतलब कि ये केक लाया कुरान मजीद मुकम्मल होने की खुशी में, तो ये केक खाने लगे ये आपके लिए और फिर उसके ये आप लोग खाए। नहीं मैं करती इसकी क्रीम ना मिल्ट होगी है थोड़ी सी, ये मेरे केक की भी देखें वैसे टेस्ट अच्छा है इसका, बस क्रीम बस मिल्ट क्या वही दे अपने चित्रा ने अपनी प्लेट रखी कहते मेरा थोड़ा मैं ता ना रहा जमी जमी सारे ऐसे करते हैं। इसकी चॉकलेट बन गई बहुत मजे की है, केक मजे का वही क्रीम तो मिल्ट कल मैं तुम केक बना के दऊं, मैंने पैसे दे दियो गाइस, मैं केक खा लूं उसके बाद फिर, और अजान भी होने लगी है तो अजान भी सुन लेते हैं और केक भी खा लेते हैं, फिर उसके बाद आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस इन्होंने हमें पिज़्ज़ा नहीं खाया, ये पीछे दो सालों से हमें पिज़्ज़ा खा रही है। गाइस मैंने अपना केक हाथ में चुक गया, मैंने अपना आज मैं दस मिनट चल लिया मेरा व्लॉग रहा, मैं बताती हूं मैंने अपना केक मुकम्मल कर लिया और अजान भी हो गई है, और ये जो है ना ये केक इसने आज इसने थोड़ा सा खाया और इसको वॉमिटिंग आने लगी, इसने अपने भाई को दे दिया। ये कोई भी चीज जेड़ी स्वादी होती है कि नहीं खाती, गंदी बच्ची है ये, क्या भौंकना भौंको गाइस, इसने हमें पिछले दो सालों से पिज्जा खिलाने की की हुई है प्रॉमिस किया, आज तीसरा साल शुरू हो गया ये 2024, इसने हमें अभी तक पिज्जा नहीं खिलाया और अभी तक ये पता नहीं कितने लारे लारे में नादा है, ब्याह हो जाना फिर भी नहीं सीखी है। तो वो बता कैसे खिलाया उसको, कौन सा YouTube से पेमेंट गाइस, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना, इसने इसका लामा ला दे रहा है, फिर जब मुझे फर्स्ट पेमेंट आएगी ना YouTube से मैंने इसको पिज्जा खिलाना है, उधर जाके खिलाना है और जितना इसने चाह ना उतना ही खिलाई जाना, खिलाई जाना आज उठा देख ले यार नहीं खाना कौन आएगा, उसकी वीडियो बनाएंगे अलग से, फिर जब फर्स्ट पेमेंट आई। गाइस एक बार मैं इसको खिलाने गई थी, इसकी किस्मत में नहीं था, गाइस झूठ बोल रही है, कोई नहीं खिलाने गई थी, मैं बताती हूं, वो कह रहे थे कि हम ऑर्डर देके आ गए और बाद में फिर गए लेने के लिए, फिर वो कह रहे अभी नहीं बनाया आधे घंटे बाद, ऐसे ही करते करते फिर हमने कहा मैंने सोचा कि मेरे पैसे बचने मेरी किस्मत लिखे, ऐसी दुर्गी लाई गाइस। गाइस पहले हम लेने गए आधे घंटे बाद, फिर मेरा भाई लेने गया, फिर कहते आधे घंटे बाद, फिर बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया था, अम्मी जी कहते कि अब नहीं जाना आधे घंटे बाद कहीं जा रहे हैं, फिर इस वजह से वो कैंसिल हो गया और मैंने इसको नहीं खिलाया, इसमें मेरी क्या गलती, इसमें की किस्मत तो गाइस बंदा किसी और दिन खिला देता, वो पिछले तो दिन मेरे भाई ने खिलाया तो था, वो बोला स्वाद का पिज्जा था, पिज्जा पिज्जा ही होता है स्वाद का हो या ना हो। तो गाइस अब इधर ही करती हूं अपने व्लॉग का एंड, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और गाइस आप लोगों ने, अब मैं भांडे शांडे तो नहीं, मेरी बात तो होगी। गाइस आप लोगों ने मेरे ये वाली ट्रिक लाजमी जमानी है कि मैंने कहा हीटर की बजाय आप लोगों ने चलाना है चूल्हा, और फिर बाद में अगर आप लोगों को बिल कम आया तो फिर मेरे सब्सक्राइबर पिज़्ज़ा। गाइस आप लोगों ने ये वाली ट्रिक लाजमी जमानी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।